वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज़ मी शिवानी। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड गाइज। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप अपने लिप्स को किस तरीके से एक शेड लाइटन बना सकते हैं, उसे बना सकते हैं पिंक, और कैसे फ्लफर बना सकते हैं और प्लम बना सकते हैं। कोई भी लिपस्टिक बहुत अच्छे से सेट होगी, लिप्स का जो पिगमेंटेशन है, डार्क शेड है, वो हट जाएगा और लिपस्टिक का जो ओरिजिनल कलर है वो आपके लिप्स पर अच्छे से पॉप आउट हो। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप अभी इस वीडियो को लाइक कर लें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें जिनको सेम प्रॉब्लम है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रीजंस बता देती हूँ जिनकी वजह से हमारे लिप्स जो है वो काले होते हैं। वैसे तो रीज़न बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अभी आपको सिर्फ 5 रीज़न बताऊंगी। तो सबसे पहला रीज़न ये है कि अगर आप धूप में बहुत ज़्यादा बाहर घूमते हैं, या आपका कोई काम है जो सिर्फ धूप में ही घूमने वाला होता है, तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप SPF वाले जो लिप बाम्स होते हैं वो ज़्यादा ट्राई करें। तो उससे क्या होगा कि आपके लिप्स को सन प्रोटेक्शन अच्छे से मिल जाएगी, उसकी वजह से आपके लिप्स काले भी नहीं होंगे। सो गाइस, सेकेंड रीज़न है कि अगर आप बहुत ज़्यादा गर्म चाय और कॉफ़ी पीते हैं तो उसकी वजह से भी, उसकी गर्माहट की वजह से भी आपके लिप्स काले हो सकते हैं। तो प्लीज़ उस चीज़ को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल भी गर्म चाय और कॉफ़ी मत पीजिए, हल्की गुनगुनी हो जाने दीजिए, उसके बाद ही पीजिए। रीज़न है अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं और तंबाकू खाते हैं, इसकी वजह से भी आपके लिप्स काले हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसको भी अवॉइड कीजिए। लड़कियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है लिपस्टिक की वजह से। तो अगर आप लॉन्ग टाइम लिपस्टिक लगा रहे हैं, लाइक बहुत देर तक अगर आप लिपस्टिक्स अपने लिप्स में अप्लाई कर रहे हैं, और अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क और बिल्कुल डार्क कलर की लिपस्टिक्स अप्लाई कर रहे हैं, या अगर आप मैट लिपस्टिक अप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी आपके लिप्स काले पड़ सकते हैं। तो अगर आप अपने लिप्स को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे, एक्सफोलिएट करते रहेंगे, तो आपके लिप्स काले नहीं पड़ेंगे। जो आपके लिपस्टिक की लेयर है वो उसको अच्छे से आप रिमूव कीजिए, उसकी वजह से आपके लिप्स काले नहीं पड़ेंगे। फिफ्थ रीज़न है कि अगर आप अपने लिप्स को बार बार लिक करते हैं, लिक लाइज ऐसे इस तरीके से, अगर आप अपने लिप्स को बार बार लिक करते हैं, उस पर बार बार थूक लगाते हैं, तो आपके लिप्स जो है वो फटना चालू हो जाते हैं, और टाइम के साथ आपके लिप्स काले भी बढ़ सकते हैं। तो प्लीज़ इस आदत को आप अभी से छोड़ दें, ताकि आपके लिप्स हेल्दी रहें और काले ना पड़े। गाइस, ये थे मेरे 5 रीजंस जिसकी वजह से आपके लिप्स जो है वो काले होते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि ये सारी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इसे बिल्कुल अवॉइड कीजिए। और अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं कुछ रेमेडीज़ आपको बताती हूँ जिससे आप अपने लिप्स की जो पिगमेंटेशन है, जो डार्कनेस है, उसे आप रिमूव कर सकते हैं, अपने लिप्स को प्लफी और फ्लफर बना सकते हैं। तो चलो मैं आपको बताती हूँ कि सो गाइज, लिप्स के लिए बनाएंगे हम सबसे पहले स्क्रब। तो स्क्रब बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है शुगर और हाफ लेमन। इसे हम जितना भी बीज है इसका पहले बीज पूरा निकाल लेंगे, और 2 मिनट पहले ही आप इसे बना के रख लें, ताकि जो शुगर है वो अच्छे से इस पर मेल्ट हो जाए। मेरे पास यहाँ पे एक्सफोलिएटिंग के लिए मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शन है आपके लिए। एक है यहाँ पे मेरे पास ये लेमन एंड शुगर, देन नेक्स्ट है मेरे पास यहाँ पे गुड वाइफ का चॉकलेट लिप्स स्क्रब। तो अगर आपके पास जो लिप स्क्रब है तो आप ये भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप ये लेमन और शुगर का भी मिक्सचर यूज़ कर सकते हैं अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करने के लिए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ दिस शुगर एंड लेमन का मिक्सचर अपने लिप्स को एक्सफोलिएट करने के लिए, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक टूथब्रश, और आप अपना रेगुलर टूथब्रश भी इसे यूज़ कर सकते हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इस तरह से शुगर लेनी है अपने लिप्स स्क्रब में, और इसे बिल्कुल आपको जेंटली हाथों से इसे ऐसे रब करना है, ज़्यादा आपको हार्श नहीं होना है। अगर थोड़ा सा मैसी हो रहा है तो होने दीजिए, अगर आप इसे वॉशरूम में भी जाके अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइज, मैंने यहाँ पे टूथब्रश की हेल्प से अपने लिप्स को अच्छी तरीके से स्क्रब कर लूँगी। आप देख सकते हैं मैं किस तरीके से स्क्रब कर रही हूँ, बिल्कुल जेंटली हाथों से आप इसे स्क्रब कीजिए। आप बिल्कुल भी हार्श मत होइए अपने लिप्स पे। इसे हफ्ते में आप 4 से 5 बार भी यूज़ कर सकते हैं, और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप 4 से 5 बार इसे अपने लिप्स में ज़रूर अप्लाई करें, ताकि जो रिज़ल्ट है आपको वो जल्दी से देखने मिले। और एक बार के यूज़ करने से कुछ नहीं होगा गाइज़, आपको इसे प्रॉपरली यूज़ करना है, तभी आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे इसमें। और इसमें जो लेमन है उस पर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, उसकी वजह से आपके लिप्स की जितनी भी डार्कनेस है, जो भी पिगमेंटेशन है, वो रिमूव हो जाती है, और जो शुगर है वो आपके लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट करेगा और आपके लिप्स को प्लम बनाएगा। गाइस, मैं आप देख सकते हैं मेरे लिप्स अभी कितना, इस पे जितनी भी जो भी इस पे डार्कनेस थी, जो भी इसकी डेड स्किन थी, ये पूरी रिमूव हो चुकी है,
और आप मेरी वीडियो के पहले जाके और अभी आप मेरे लिप्स को देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा तुरंत में डिफरेंसेस आपको समझ में आ जाएगा और बहुत ही ज़्यादा फ्लफ़ी हो गए हैं। बिल्कुल आपको जेंटली अपने जेंटल हाथ से ही इसको अच्छे से रब करना है और ज़्यादा आपको हार्श नहीं होना है अपने लिप्स पे। मैंने इसे 2 मिनट्स अच्छे तरीके से स्क्रब किया था अपने लिप्स पे और आप देख सकते हैं रिजल्ट आपके सामने है। जो लेमन होता है उस पर ब्लीचिंग प्रॉपर्टी होती है, जिसकी वजह से आपके जो पिगमेंटेशन है, जो डार्कनेस है, वो रिमूव हो जाती है और जो शुगर होता है वो आपके लिप्स को अच्छे से एक्सफोलिएट कर लेता है। अब हम अपने लिप्स को करेंगे मॉइस्चराइज और मॉइस्चराइज करने के लिए मेरे पास यहाँ पे आपके लिए 2 ऑप्शंस हैं। एक मेरे पास यहाँ पे पर्पल चाइल्डहुड बेस्टी लिप बाम है और एक है मेरे पास यहाँ पे गुड वाइफ स्ट्रॉबेरी लिप बाम। और अगर आप चाहें अपने मनपसंद का कोई भी लिप बाम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी अभी पर्पल का चॉकलेट, एक मिनट, हाँ पर्पल का चाइल्डहुड बेस्टी लिप बाम। ये बहुत ही ज़्यादा थिक लिप बाम है और आपके लिप्स को अच्छे तरीके से ये मॉइस्चराइज कर देता है। और मैं आपको रेकमेंड करूँगी कि आप लिप बाम ज़रूर अप्लाई किया करो और मेक श्योर अगर आपके पास SPF वाला लिप बाम हो तो और भी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन रात में सोने से पहले अपने लिप में ज़रूर लिप बाम आप अप्लाई करो। और इसके बाद अगर आप अपनी लिप्स में लिपस्टिक लगाओगे तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉप आउट होगी और बहुत ही प्यारे आपके लिप्स लगेंगे। सो गाइस, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और अगर अच्छा लगे तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और अगर आप मुझे कोई रिकमेंड करना चाहते हैं, कोई वीडियो है जो आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पे बनाऊँ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए वो वीडियो बनाऊँगी। सो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।